नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। और मैं फिलहाल घग्गर नदी के किनारे पर फरमाई कला गांव के पास हूं और यहां पर आप जो ये सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो पानी यहां पर पहुंच चुका है और करीब करीब 4 से 5 फीट पानी यहां पर पिछले 2-2.5 घंटे के अंदर ही पहुंच चुका है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 5 से 7 घंटे के बाद यहां पर पानी का सत्र क्या होगा। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहां पर बांध बना हुआ है और इसके दूसरी साइड जो है वो फरमाई कला गांव है। तो ऐसे में गांव के अंदर काफी दहशत का माहौल है क्योंकि पहले भी इस गांव के अंदर लोग जो है वो बाढ़ का सामना कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बार फिर जो है वो यहां पर पलायन पूरा गांव के लोगों की तरफ से शुरू कर दिया गया है क्योंकि पानी का बहाव जो है सत्र है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना है, कितना पानी कितनी देर में यहाँ पर आ गया? ये 3-4 घंटों में आ गया। ये पंडारी से टूटा था। हाँ जी, ये कम से कम 5.5-6 फुट के करीब पानी है, ये बढ़ रहा है जी। अभी देखो, ये 2 मिनट पहले हमने देखा था तार डूबी नहीं थी, अब डूब गई है पानी। ये इंचों के हिसाब से चढ़ रहा है पानी ऊंचा। ये पूरा क्रॉस भी कर सकता है, क्या संभावना लग रही है? ये हो जाएगा जी, इसी हिसाब से चढ़ता रहे तो जी रात को ये आ जाएगा, बनने के लेवल आ जाएगा। गाँव के अंदर पानी जाने का खतरा है? गांव के अंदर खतरा नहीं, सुहावना है, अभी जाएगा पानी। सामान तो घरों से लोग निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम भी सामान बांध के आए, ट्राली पे पैक करके आए हैं सारा। इलाहाबाद से आए हैं यहाँ पर मदद के लिए। हाँ जी, तो पूरा गांव यहाँ से प्लान करने को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद कोई चाहिए? नहीं जी, प्रशासन की कोई नहीं है जी, लोग अपने आप से खुद ही मेहनत कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टरों से, कोई ट्रालियों से, कोई रिश्तेदार आपसे आ रहा है, कोई आप जो देख रहे हैं वो ट्रैक्टर चल रहे हैं ना, वो सर वो खुद को अपनी है जी, पर्सनल है, पर्सनल ही है। तो यहाँ बता दें कि प्रशासन की तरफ से अभी तक जो है वो कोई खास मदद यहाँ पर नहीं मिली है और ग्रामीण जो है वो अपने सत्र पर प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल जो है वो आप देख सकते हैं, एक साइड जो है वो फरमाई कला गांव है और दूसरी साइड यहाँ पर ये पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और बहाव इतना तेज है कि पिछले 2.5 से 3 घंटे के अंदर ही यहाँ पर जो है वो पानी पहुंचा था और अब इसका जो बहाव जो सत्र है वो काफी ज्यादा हो चुका है। यानी कि संभावना ये नजर आ रही है कि रात के समय वो जो है ये पूरा जो पटड़ा फिलहाल जो है करीब करीब 6 से 7 फीट का जो है अभी पानी यहाँ पर भरना बाकी है और वो पूरे रात के अंदर हो जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इधर पूरा गांव जो है वो यहाँ से पलायन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर अपने इसके अंदर डाल रहे हैं, ट्रालियों के अंदर अपना जो सारा सामान है वो डाल रहे हैं। और यहाँ पर इधर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये यहाँ पर जो है वो आगे टूट गया था पानी और उसमें बांधने का काम भी जो है वो ग्रामीण कर रहे हैं, ये आप देखिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। हाँ जी, क्या नाम आप, आपका क्या नाम? मेरा नाम नितिन है, गांव मेरा झोंपड़ा है जी। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं जी? प्रशासन अभी तक नहीं आया है, अभी तो रात ही नहीं हुई है, पहले ही नहीं प्रशासन आ ही नहीं रहा जी, हम क्या करें? फिर बाद में कहते हैं फरवाई वाले ये हो गया वो हो गया जी, पर प्रशासन को आना तो चाहिए जी, हम मौके पर एक बार आके तो देखें जी। तो आपके गांव तक भी खतरा बना हुआ है? मेरा गांव तो आगे है जी झोंपड़ा, पहले आएगा निजडेला, निजडेले तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा जी, निजडेले से बाद मेरा झोंपड़ा आएगा वो गांव, तो वहां पे भी कल तक पानी पहुंच जाएगा आपको? कल कल 100% सुबह वहां पानी पहुंचेगा जी झोंपड़ा। गांव की आबादी क्षेत्र में जाएगा, खेत खेत में रहेगा जी, गांव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब हमारे को। अभी प्रशासन जो है वो अभी तक नहीं आया जी, फरवाई गांव के अंदर नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं आ रहे हैं। पानी दिखाओ, टूटा हुआ पानी तो दिखाओ एक बार इनको, देखो पानी देखो भाई। ये आप देखिए यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है और सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वहां तक जो है वो पानी चला जाएगा कुछ ही समय बाद, क्योंकि यहाँ पर हालांकि प्रयास हो रहे हैं, ये जो है वो पटड़ा जो रास्ता है उससे आगे जो है वो क्रॉस ना हो, लेकिन अब एक बार रोक दिया है और उसके बाद जो है वो दोबारा भी यहाँ पर बढ़ सकता है।